नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरत। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़वानी में 44 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़वानी से कस्तूरबा कन्या वनवासी आश्रम की छात्राओं की तबियत बिगड़ गई है। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है 5 छात्राओं को जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया है। और बड़वानी की निवाली तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कि 5 छात्रों को अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया है। तो वहीं कस्तूरबा कन्या वनवासी आश्रम की जो है 44 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं। उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें इनको हो रही थी, इसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया और 5 छात्राओं को जिला अस्पताल बड़वानी रेफर कर दिया गया है। निवाली तहसील की ये पूरी घटना बताई जा रही है, बड़वानी के निवाली तहसील की। हालांकि स्वास्थ्य अमला जो है यहाँ पर एक्शन में आ गया है, उनको रेफर किया गया है और उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जफर मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन कॉल पे जुड़ गए हैं। जफर, क्या कुछ खबर? एक तरफ डायरिया मलेरिया और एक नई चीज ये सामने आई है, फूड पॉइजनिंग की बात कही जा रही है। देखिए भारत, जिस तरीके से एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, क्योंकि ये कल की घटना बताई जा रही है, लेकिन कस्तूरबा आश्रम और वहां के लोगों ने इस मामले को छुपाया, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि वो छुप नहीं पाया। और जिसके बाद अब जो है 44 छात्राएं जो है इसमें फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई है। दोनों पानी और खाने की जांच के लिए स्वास्थ्य अमले ने इसकी जांच सैंपल के लिए लिया गया है। साथ ही साथ जो 5 छात्रा है उनकी हालत गंभीर होने से उन्हें बड़वानी के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक बड़ा मामला, एक तरफ आज ही के दिन एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया, लेकिन एक तरह से दूसरा बड़ा मामला यहां से निकल आया। एक बड़ी चूक है स्वास्थ्य विभाग की, जहां पर कस्तूरबा आश्रम, जिस तरीके से आदिवासी छात्राएं यहां पर रहती थी और उनके खाने में गड़बड़ी की आशंका को लेकर जो है एक 44 से ज्यादा बच्चे इस फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, जिसमें 5 छात्राओं की हालत गंभीर। रोक रहा हूं थोड़ा आपको, परिजन क्या कह रहे हैं पहले वो हम सुन लेते हैं और सुना देते हैं। परिजन क्या कह रहे हैं छात्राओं के? पानी का भी सैंपल लेंगे, सभी चीज का हमको खुद को भी नहीं पता। बच्चे अचानक शाम के खाने से, नाइट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं रही, सुबह मॉर्निंग में हुई जो भी परेशानी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर 44 छात्राएं जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई है। 5 छात्राओं को आगे जो है रेफर किया गया। जफर का हम रुख कर दे देते हैं। जफर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी स्थिति कैसी बताई जा रही है बच्चों की, क्योंकि 5 बच्चों को रेफर किया गया है, कैसी हालत है उनकी? देखिए, जिस तरीके से उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें गंभीर अवस्था में ही जिला अस्पताल रेफर किया है। 5 ये छात्राएं 12वीं की बताई जा रही है और ये छात्राएं कस्तूरबा आश्रम जो है यहाँ पर बड़वानी जिले के पानसेमल विधानसभा की ये निवाली तहसील का मामला है। कल से मामला चल रहा था, लेकिन इसे छुपाया गया था और छुपाने के बाद जब ये इतना बड़ा हो गया तो ये मामला उजागर हुआ, जिसमें 5 बच्चों की हालत गंभीर होने की वजह से ही ये मामला उजागर हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है 5 बच्चे अभी जो फिलहाल उनकी हालत है वो गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जो है जिला अस्पताल में जारी। ठीक है जफर, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर देते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी प्री 2024 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। ये परीक्षा 23 जून 2024 को आयोजित की गई थी और अब एमपीपीएससी प्री की परीक्षा के जो परिणाम है वो घोषित कर दिए गए हैं। कुल 110 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 1,53,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और अब 3,328 उम्मीदवार जो हैं मेंस के लिए पास हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कट ऑफ मार्किंग क्या है इस बार के इस परीक्षा में, वो ग्राफिक के जरिए आपको चलिए हम समझा देते हैं। इस बार एमपीपीएससी प्री की बात करें तो हम अनारक्षित जो सीट हैं, जो जनरल सीट हैं, उनके कट ऑफ 160 गए थे। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ओपन फीमेल के जो हैं 148 नंबर थे और अनुसूचित जनजाति की बात करें हम शेड्यूल ट्राइब की तो इसके लिए 140 और ओपन के लिए और फीमेल जो है उनके लिए 138 का कट ऑफ रखा गया था। वहीं ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ओपन की कैटेगरी में 156 नंबर कट ऑफ हैं और फीमेल में अगर हम बात करें तो 156 नंबर जो है उनके भी कट ऑफ है।
और अगर आप EWS की बात करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो एक ये कोटा है, इसमें ओपन और फीमेल दोनों में 154 नंबर का कट ऑफ जो है इस बार MPPSC प्री का बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश विदेश की इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश सरकार को 17,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दिए हैं। शुक्रवार को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3,500 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हुए। इसमें डिफेंस, टेक्सटाइल, फार्मा, टूरिज्म, फूड, टैंक निर्माण आदि सेक्टर में नए उद्योग शुरू करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर में रिबन काटकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के तमाम उद्योगपति और इन्वेस्टर्स शामिल हुए थे। कैसा रंग रहा है आज के इस कार्यक्रम का, सभी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर इस सेंटर में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, वो सुन लीजिए। यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 MSME की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। भारत के अंदर हीरे के लिए मध्यप्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है, और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस दौरान विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी रीजनल समिट जबलपुर अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। निवेशकों का उत्साह भी गजब है, और जिस प्रकार के सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, सभी लोगों के भरोसों को हम कायम रखें। इसके बाद क्या सर? इसके बाद अगले अनाउंस करेंगे, उसके पहले कोयम्बटूर जा रहा हूँ, जहाँ रोड शो करेंगे, वहाँ से निवेशकों को बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि इस कॉन्क्लेव में क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे इस कॉन्क्लेव की तस्वीरें रही, आयोजन की क्या रणनीति रही। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था ये, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित किया गया। CM डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, और इस कॉन्क्लेव में देश दुनिया के तमाम निवेशक पहुंचे हुए थे। 5 देशों और 9 राज्यों के 3,500 से ज्यादा निवेशक आज इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी में निवेश के लिए आए माइनिंग, मिनरल, डिफेंस, एग्रो प्रोसेसिंग, पर्यटन पर खासा फोकस रहा। और मैंने जैसा बताया आपको, 3,500 से ज़्यादा निवेशक जो हैं इस बार इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, और तमाम सेक्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, जबलपुर, कटनी, सब पर जो है बातचीत हुई। तो हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं किस तरीके से इन्वेस्टर्स समिट जो है आज यहाँ पर पूरा हुआ जबलपुर में, ये कॉन्क्लेव पूरा हुआ। और एक तरीके से बताया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ जो है, बहुत बड़ी बात जो है मध्य प्रदेश के लिए है। चलिए हम आपको बता रहे हैं आयोजन के 5 सेशन कैसे कैसे रहे और कौन कौन से रहे। 5 सेशन में इस आयोजन को बांटा गया था। पहले सेशन में जो है माइनिंग पर बातचीत हुई थी, और फिर इसी तरीके से माइनिंग पर और एग्रो बिजनेस पर, तमाम चीज़ों पर जो है इस सेशन में बातचीत हुई। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन, मलेशिया, तमाम जगह से जो है यहाँ पर निवेशक पहुँचे हुए थे, और आज जो है 3,500 निवेशकों के साथ जो है बातचीत की गई कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है उद्योग को लाया जा सकता है। ब्रिटेन हो, ताइवान हो, मलेशिया हो, कोस्टा रिका हो,
ओशियाना की कंट्री हो, फिजी, तमाम जगहों से जो है बहुत बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचे हुए थे और बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को भी उद्योग और रोजगार का हब बनाया जा सके। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में कितने गेस्ट आए थे वो आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश से जो है 3,370 लोग थे, महाराष्ट्र के 73, गुजरात से 37, दिल्ली के 35 इन्वेस्टर्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे, राजस्थान के 25, हरियाणा के 9 और इसी तरीके से कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक से 8 इन्वेस्टर थे, छत्तीसगढ़ के 7 इन्वेस्टर थे और बिहार से भी जो है यहाँ पर 4 इन्वेस्टर पहुँचे हुए थे। और बड़ी बात ये रही कि 6 बड़े कॉरिडोर को भी इस बार जो है निवेश के लिए रखा जाना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाए, अटल प्रोग्रेस वे हो जाए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो जाए, वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नर्मदा एक्सप्रेस वे और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 6 बड़े कॉरिडोर हैं जिसमें कि निवेश के लिए जो है वो गुंजाइश जताई गई है और इनको निवेश के लिए रखा जाना है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में किस तरीके से उद्योग और रोजगार जो है वो आगे बढ़ सके, इस दिशा में जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आपको सुनवाते हैं इन्वेस्टर्स का क्या कुछ कहना रहा आज के इस कॉन्क्लेव के बाद। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इन्वेस्टर्स के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन डेटा के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो सकता है इसकी संभावनाओं को देखते हुए हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, आप आज यहाँ पर आए, डेटा सेंटर्स की हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में अभी इस विषय पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया है, क्या आपका विजन है और कैसे काम हो सकता है? तो गोइंग फॉरवर्ड एवरी लोकेशन में ये डेटा सेंटर का ज़रूरत होगा, क्योंकि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, वो टैगलाइन से यू नो मोटिवेटेड और करेंट स्टेटस इज़ दैट, क्योंकि सभी लोगों को डेटा चाहिए होगा, जो लोग अभी इंटरनेट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग YouTube या Netflix देख रहे हैं उनके फ़ोन पे, सब लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेटा प्राइवेसी, डेटा डिपेंडेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट मोर। तो हर जगह में डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होगा और नया डेटा सेंटर्स का ज़रूरत होगा आगे जाके, जो टेक्नोलॉजीज आ रहे AI, ML, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब के लिए डेटा बहुत ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में आपने क्या इन्वेस्ट किया है और किया है तो उसका कैसा रिस्पॉन्स मिला? अभी हम मुख्यमंत्री जी के जो स्पीच सुने हैं बहुत प्रभावित हुए हैं उससे, और वी थिंक द स्टेट इज गोइंग टू डेवलप मच मोर, तो वी हैव ऑलरेडी कमिटेड आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड वी हैव साइंड एन MOU फॉर 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन भोपाल टुडे। तो निश्चित तौर पर डेटा सेंटर एक ऐसी चीज है जो आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है और यही उद्देश्य है इस कॉन्क्लेव का, ऐसे डिफरेंट एंगल से डिफरेंट सेक्टर के भी लोग आए और इन्वेस्ट करें। कैमरा मैन का दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नागौद में सिविल अस्पताल में लोकार्पण किए जाने के लिए 10 दिन बाद अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। बागरी आधे अधूरे अस्पताल को देखकर जमकर नाराज हो गई। उन्होंने अस्पताल के आधे अधूरे कामों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कराया जाए। पुलिस विभाग की, उसके द्वारा करवाया गया था, उनका डिसीजन था कि कब करवाना है, और लेकिन बिल्डिंग तो लगभग पूरी कंप्लीट थी, उसमें से कुछ काम अल्टरेशन वाला या कुछ जो कुछ मॉडिफिकेशन करना था वो काम थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो चल रहा था। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आने वाली 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्त लाखों की संख्या में उज्जैन बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जरूर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 50 लाख श्रद्धालुओं की उज्जैन आने की संभावना है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए अभी से पुलिस सुरक्षा की तैयारियों में लग गई है। 5 ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी और वहीं पूरे मार्ग को 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए कि कोई आपराधिक तत्व जो है इस उज्जैन में इस पावन मास पर किसी तरीके की अनहोनी ना करे। और भी बारीकियों से तैयारियों का जायजा लिया है विस्तार न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी ने, देखिए। जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो दोनों ही चाक चौबंद व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरे सवारी मार्ग पर विद्युत सजा, सड़कों का निर्माण, गड्ढे भरे जाएं, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा पूरे सवारी मार्ग, महाकाल मंदिर क्षेत्र में 2000 पुलिसकर्मी पूरे
तैनात रहेंगे। जो बड़ी बड़ी छतें हैं वहाँ पर भी पुलिस कर्मियों को दूरबीन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, कोई असामाजिक तत्व तो उसमें नहीं घुस रहा है। और 5 बड़े ड्रोन से पूरे सवारी मार्ग को चाक चौबंद तरीके से CCTV कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। खंडवा लिए चल रहे हैं आपको। अब खंडवा में दादाजी दरबार में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव शुरू हो गया है। शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े दादाजी केशवनंद महाराज और छोटे दादाजी हरिहरनंद महाराज की समाधि के दर्शन कर माथा टेका। सुबह से ही निशान लेकर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ 2 दिन तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव चलने वाला है। देश के कई राज्यों से भक्त निशान लेकर आते हैं और दादाजी को अर्पित करते हैं। पूरे शहर में 2 दिन तक भक्तों के लिए भंडारे और प्रसाद का आयोजन किया जाता है। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन श्री दादा दरबार में 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2024 तक के लिए आयोजित है, जिसमें मुख्य दिवस आज 20 जुलाई को मनाया जाना है। चूँकि 2 तरह के कैलेंडर प्रचलित है, एक स्मार्ट का कैलेंडर होता है और एक वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है, तो साधु संत सन्यासी संत पुरुष है उनके आश्रमों में स्मार्ट के कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए त्यौहार की शुरुआत आज, चूँकि पूर्णिमा का पर्व जो है दोपहर बाद से तिथि आरंभ हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं रायपुर की। रायपुर में बेकाबू गुंडों का कहर देखने को मिल रहा है। गुड़ियारी के बेसबॉल बैट से 17 जुलाई की रात युवक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। 3 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिसको लेकर रामनगर के लोगों में रायपुर पुलिस के विरुद्ध चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो राजधानी रायपुर का है। यहाँ की कानून व्यवस्था से बेखौफ गुंडे एक युवक को बेरहमी से मार रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक बेसबॉल बैट से युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। युवक लगातार खुद को बचाने के लिए चीख रहा है। युवक मदद के लिए जितना चिल्लाता है, गुंडे उसकी उतनी ही पिटाई करते हैं। पीड़ित युवक का नाम शंकर सिंह ठाकुर है। आज आया। सत्रह जुलाई को गुंडे मारपीट करने के बाद इस युवक को फेंक देते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसे लेकर रामनगर वार्ड 24 और 25 के लोग कर्मा चौक में चक्का जाम कर देते हैं। रामनगर क्षेत्र में जो हत्याएं लूटपाट की जो घटनाएं हो रही है, जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज है एक दूसरे जो है धरना दिया जा रहा है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का ऐलान हुआ है कि ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब लोगों को ₹500 में गैस सिलेंडर का ऐलान किया है रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने। सांसद नगरीय निकाय चुनाव से पहले सिलेंडर बांटने की बात कह रहे हैं और सांसद ने मतदाताओं के बीच ये ऐलान किया है। मतदाता सम्मेलन के दौरान ये ऐलान किया है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया था और विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया गया था कि ₹500 में गैस सिलेंडर देंगे। और अब वही वादे को जो है ऐलान के रूप में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं। उनका दावा है, उनका ऐलान है कि अब ₹500 में जो है गैस सिलेंडर लोगों को मिलेगा। मतदाता सम्मेलन में वो ये ऐलान कर रहे हैं रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल। अभी हाल ही में इन्होंने जो है विधान मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। कद्दावर नेता है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के और इनका ऐलान है कि विधानसभा के चुनाव के समय में ही ये ऐलान किया गया था, ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि ₹500 में गैस सिलेंडर देंगे। और अब नगरीय चुनाव निकाय चुनाव से पहले ठीक पहले जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर ऐलान किया है कि ₹500 में जो है गैस सिलेंडर मुहैया कराने जा रही है बीजेपी। अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। अनमोल का रुख कर रहे हैं। अनमोल, ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि ₹500 में गैस सिलेंडर लोगों को मिलेगा, सही बात है?
बिल्कुल, देखिए भारत, ये बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि देखिए भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था कि जब सरकार बनेगी तो 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ के लोगों को। और अब देखिए सरकार बने हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में ये ऐलान होना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, और ये बहुत इसका फायदा भी मिल सकता है लोगों को, क्योंकि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना, आप समझिए इस महंगाई में जहां गैस सिलेंडर जो घरेलू उत्पाद होते हैं वो 1200-1300 तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान आज बहुत बड़ा बयान है और आज उन्होंने ये बातें जो है मतदाता सम्मेलन निश्चित तौर पर, अगर बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता की तरफ से बयान आता है तो माहौल जो है निश्चित तौर पर बहुत गंभीर तो होना बहुत लाजमी है। बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार आपको सुना देते हैं कि क्या कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने। निश्चित रूप से जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की एक एक गारंटी पूरी होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम स्थानीय चुनाव के पहले और महिलाओं के नाम से जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में उपलब्ध करवाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर जारी है। नमस्कार।